ये है फ्रैंकलिन आया खेले, खेलेगा ये हर दिन, आया है दोस्तों के साथ, सुनो कहानी इससे तुम हर रोज नई बात। ये है फ्रैंकलिन आया आपके घर, ये है फ्रैंकलिन आया मेरे घर, हे ये है फ्रैंकलिन। फ्रैंकलिन्स डे ऑफ। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था, मगर एक अच्छी आदत नहीं थी उसमें। वो आज का काम कल पर टाल देता था। सब कुछ भूलकर, जरूरी काम छोड़कर वो साइकिल चलाने में मस्त रहता था। सही है, तो हम मैदान पर मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं। बाय बेयर। कहाँ की तैयारी है फ्रैंकलिन? हाँ, वो दरअसल मैं और बेयर साइकिल पर जा रहे हैं। और घर के पीछे उस किले का क्या करें? मॉम, वो तो मैं साफ कर दूंगा। तो फिर तुम्हें हेलमेट क्यों चाहिए? क्योंकि पहले मैं साइकिल चलाने जा रहा हूँ, किला मैं बाद में समेटूंगा। बाद में? लेकिन यही तुमने कल भी कहा था फ्रैंकलिन। कहा तो था, लेकिन कल रैबिट बोला चलो पतंग उड़ाते हैं और हवा भी बहुत सही थी, तो कल नहीं कर पाया। लेकिन अगर ये कल ही कर लिया होता तो उसकी आज फिक्र नहीं करनी पड़ती। मुझे कोई फिक्र नहीं है उसकी मॉम, वो तो मैं बाद में कर ही लूंगा। पता है फ्रैंकलिन, कामों को इस तरह कल पर टालने से हमारा ही काम और बढ़ जाता है। हाँ, इसका क्या मतलब? चलो मिसाल के लिए बागीचा ही ले लो। समय पर मैं छोटी छोटी घास को उगते ही ना उखाड़ूं तो उनसे बीज निकलकर और घास पैदा हो जाएंगे, मतलब कल मेरा ही काम बढ़ेगा। वो घास फूस है डैड, जितनी देर साइकिल चलाऊंगा उतनी देर में किले से थोड़े ही ना बीज निकलने लगेंगे। किला मैं बाद में समेट दूंगा, प्लीज। बेयर मेरा इंतजार कर रहा होगा। ठीक है, थैंक्स मॉम। लेकिन वो सब तुम्हें आज ही समेटना होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब उस किले के अंदर की चीजें भी समेटनी है। हाँ हाँ, कर दूंगा डैड, आज ही कर दूंगा। अच्छा है अगर वो बागीचे को ना देखे। क्यों? क्योंकि वहाँ की जंगली घास इतनी ऊंची हो चुकी है। मैं कल उन्हें छांट दूंगा। ओ नहीं, फिर पंचर हो गया। डैड, मेरी साइकिल का टायर पंचर हो गया है। मैंने कहा था ना ठीक कर दूंगा फ्रैंकलिन। तुम बीवर के यहाँ से अपना पैच किट ले आए? मैं थर्सडे को स्कूल के बाद लाने ही वाला था कि फॉक्स ने कहा चलो खेलने चलो। जरा सा ही तो लीक है, जिस तरह मैंने बताया था ना वैसे हवा भरो उसमें और तुम्हारे घर लौटने का इंतजाम हो जाएगा। ठीक है डैड, मैं बीवर के घर कल चला जाऊंगा। डैड, डैड, मैं यहाँ हूँ। हवा भरने वाला पंप नहीं मिल रहा, आपने कहाँ रखा था? आखिरी बार मैंने पंप को बड़े पेड़ के नीचे कहीं देखा था। मैंने तुमसे कहा था कि उसे संभाल कर रख दो, तुमने कहा था ना बाद में रख दूंगा, याद है तुम्हें? हाँ याद तो है, कोई बात नहीं डैड, मैं उसका इस्तेमाल करके उसे उसकी सही जगह पर रख दूंगा। पंप पहले ही जगह पर रख देता तो अभी इस ढेर में तो नहीं ढूंढना पड़ता, ऐसे तो मुझे मिलने से रहा। वाह, बन गई मेरी बात। हाँ मिल गया।
ओह, ये तो फावड़ा नहीं है। वो जरूर इसी में कहीं होगा। फ्रैंकलिन, तुम बेयर के साथ साइकिल चलाने जा रहे थे ना? कैसे जाऊं, फावड़ा तो मिल ही नहीं रहा है। तुम फावड़े की सवारी करोगे? हाँ? नहीं, फावड़े से घास हटा के पंप ढूंढूंगा ना। फ्रैंकलिन, तुम्हें याद है तुम्हारे किले की छत तुमने किस पे टिकाई थी? फावड़े पर। थैंक्स मॉम। निकला। फ्रैंकलिन, पहले किले को खाली करके बाद में तिरपाल क्यों नहीं निकालते तुम? मैं किले को बाद में खाली करूंगा, अभी तो मुझे फावड़ा चाहिए बस। इस बार तो मैं निकाल कर ही रहूंगा। अब पत्थी के इस ढेर को देखता हूँ। नहीं, कितनी देर लगा रहा है, अब मैं क्या सारा दिन मैदान में इंतजार करता रहूं? फ्रैंकलिन, निकला, उतरा, मान जा। ओ नहीं, फ्रैंकलिन को क्या हुआ? घबराओ मत फ्रैंकलिन, मैं आ रहा हूँ। मैं आ गया हूँ फ्रैंकलिन, अभी बाहर निकालता हूँ। बेर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें बचा रहा हूँ। मुझे बचाव नहीं चाहिए, फावड़ा चाहिए। यहाँ था ये। लगता है अब फावड़े को बचाना पड़ेगा। लगता है आज की साइकिल सवारी भी गई। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत क्या है? मुझे फावड़ा चाहिए ताकि घास फूस हटा सकूं। घास फूस हटाऊंगा तो पंप मिलेगा, पंप मिलेगा तो साइकिल के पहिए में हवा भरूंगा, हवा भरूंगा तो साइकिल चलाऊंगा। माफ करना बेयर, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्योंकि मेरा साइकिल चलाने को बहुत मन था। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन, तुम अपनी साइकिल मेरे घर ले चलो और मेरे पंप से हवा भर लो। अरे हाँ, ये ठीक रहेगा बेयर। चलो फिर, देर किस बात की? और इतने सामान का क्या होगा फ्रैंकलिन, इसे भी तो समेटना पड़ेगा। वो मैं बाद में कर लूंगा। ठीक है। चलो फ्रैंकलिन, चलो चलो फ्रैंकलिन, चलो। थोड़ा रुको बेयर। चलो फ्रैंकलिन, चलो। बात करते भी चल सकते हैं ना? दौड़ते दौड़ते जाएंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे ना। चलो फ्रैंकलिन, चलो। चलो फ्रैंकलिन, चलो। चलो फ्रैंकलिन, चलो। थोड़ा रुको बेयर। चलो फ्रैंकलिन, चलो। चलो फ्रैंकलिन। ऐसा है क्या? ओ नहीं, मेरा सारा सामान। ओ नहीं, तुम्हारी मदद करूं मैं फ्रैंकलिन? कहीं तुम फिर वही फावड़ा तो नहीं ढूंढ रहे? हे फ्रैंकलिन, देखो तुम्हें किससे ठोकर लगी। अब हमें मेरे घर तक परेड नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हारे पहिए में हम यही हवा भर लेंगे। बेयर, हम बाद में साइकिल चलाने चलें तो? बाद में? लेकिन क्यों? मुझे मॉम डैड की बात मान लेनी चाहिए थी। मतलब? अगर मैं अपना किला उनके कहते ही समेट लेता तो कितनी आसानी हो जाती मुझे सब करने में। अब मुझे ये सब करने में घंटों लग जाएंगे। इस दोस्त के होते नहीं लगेंगे। मदद करोगे बे? बिल्कुल, चलो इसे समेट लेते हैं।
हाँ, इससे पहले कि ये मुझे फिर समेट ले। क्या मुसीबत है ये, लगता है जैसे ये जड़ें पाताल तक गई हो। पता है, अगर तुम ये घास उगते ही उखाड़ देते तो इनकी जड़ें इतनी मजबूत ना हो पाती। दरअसल मैं वो क्या है, सही कहा तुमने। हाय मॉम, हाय डैड। साइकिल चलाने में मजा आया? बहुत मजा आया, हम साइकिलों पर ही झरने तक जाकर आए। अच्छा लग रहा है ना, घर भी आ गए और सामान वगैरह भी कुछ नहीं समेटना। बिल्कुल लग रहा है डैड, और पहिया ठीक करके भी अच्छा लग रहा है क्योंकि अब वो फिर पंचर नहीं होगा। हे डैड, आप उस घास फूस को उखाड़ क्यों नहीं देते, बाद में वो फैल कर एक मुसीबत बन जाएगी। मैं बाद में कर लूं तो, अभी मुझे और काम है। डैड। फ्रैंकलिन्स होममेड कुकीज। फ्रैंकलिन दो की टेबल जानता था और अपने जूते की लेस भी बांध सकता था। तैरना, जंगल में खेलना, शरारते करना उसे बहुत अच्छा लगता। मन का सच्चा, वो सबके साथ अच्छा रहता था, मिल बांट कर खाता पीता था। फ्रैंकलिन ने जान लिया था कि मीठा बोलने से बिगड़े काम भी बन जाते हैं। मुझे अब मिलने ही वाला है ना? सवाल ही नहीं है। सवाल ही नहीं है, आखिर कहाँ छुपा है तुमने, किसी दूसरे ग्रह पर? सच में हम उस अकॉर्ड को ऐसी ऐसी जगह पर ढूंढ चुके हैं जहाँ की लहरें भी नहीं जा सकती। खैर, एक जगह तुम्हें से किसी ने नहीं देखी होगी, वो वहीं पर होगा। कहाँ? कहाँ? वहाँ जहाँ वो है। ये क्या फॉक्स, मजाक की भी हद होती है। कहीं भी कुछ भी नहीं है, तुम्हारी बारी तो खत्म ही नहीं हो रही है। तो तुम सब हार मानते हो? मानते हैं। ठीक है ठीक है, मैं दिखाता हूँ। ये रहा यहाँ, यहाँ पीछे की तरफ। हे, ये क्या? हाँ, गलत बात। तुमने इसे यहाँ छुपाया था? क्या, असली मजा तो तब है जब कोई ढूंढ ना पाए। तुमने कहा था सवाल ही नहीं उठता, मैं वहाँ पहुँच ही गई थी। हाँ, मैं भी वहाँ, मैंने भी देखा था। हो सकता है तुम ढूंढ ही लेते। तुमने झूठ बोला। हाँ, अगर कोई सवाल पूछे तो हमेशा सच बोलना चाहिए फॉक्स। सॉरी दोस्तों, लेकिन खेल का मजा ही नहीं रहता, तो अब खेल आगे बढ़ाएं। ठीक है, लेकिन अब झूठ मत बोलना। नहीं, सिर्फ सच, मतलब अब से सिर्फ सच ही ना। बढ़िया। अच्छा फॉक्स, सच बोलना, तुमने बैजर को सबसे छुपाकर एक तोहफा भेजा है या नहीं? वो तो ऐसे ही। बहुत अच्छी बनी है, लेकिन आपके हाथ की अदरक वाली से अच्छी नहीं। मैंने क्या गड़बड़ कर दी मॉम? देखते हैं। आटा, शक्कर, अंडे, सूजी, अदरक। कुकीज में असली स्वाद तो यही लाता है। एक काम करो फ्रैंकलिन, इसमें अदरक का पाउडर डाल देना। अगर तीन बार डालने में इतना स्वाद मिलता है तो चार बार डालने में कितना मजा आएगा। अदरक डाल देने के बाद बस आटे को मिलाते रहो फ्रैंकलिन। ठीक है मॉम। एक और सही। रुको मॉम, इस बेचारे की एक आंख तो है ही नहीं। ओह, मुझे लगा वो आंख मार रहा है। मॉम। मेरे दोस्त इन्हें चखेंगे तो जरूर उनकी लार टपकने लगेगी मॉम। अब तुम जल्दी तैयार हो जाओ क्योंकि इनको ओवन में ज्यादा देर नहीं लगेगी। मैं देखता हूँ मॉम। हाय फ्रैंकलिन। हे, क्या तुम्हारे घर में बर्फ गिर रही है? हाँ। मैं अदरक वाली कुकीज बना रहा हूँ, अभी पूरी नहीं बनी है, जब बन जाए तो तुम खा कर देखना। थैंक्स फ्रैंकलिन, मजा आ जाएगा।
मैंने भी कुछ बनाया है, तुम्हारे लिए है, तुम्हें जरूर पसंद आएगा। जी थैंक्स बेयर। मैंने खुद बनाया है बिना किसी के मदद के। देखो इसकी एक पूंछ भी है, अच्छी है ना? तुम्हें भी लगता है ना मैंने इससे बढ़िया चीज आज तक नहीं बनाई? वैसे सबसे बढ़िया चीज तो नहीं है। हाँ? तुम्हारा मतलब क्या है? वो क्या है कि इसके पहिए बहुत मजबूत नहीं है और देखो इसकी चोंच तो उखड़ रही है, तुमने ठीक से चिपकाई भी तो नहीं। और ये हाँ? तुम्हें अच्छी नहीं लगी? नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, लेकिन तुमने पूछा था कि सबसे अच्छी चीज है या नहीं। देखो अगर ये तुम्हें पसंद नहीं तो फेंक दो इसे। लेकिन बेर अगर कोई पूछे तो सच्ची बोलना चाहिए, तुम्हें याद है कि नहीं बेर? कितनी रंग बिरंगी चिड़िया है। हाँ है तो सही, बेर ने तोहफे में दी है। मॉम कोई अगर सवाल पूछे तो हमेशा जवाब सही ही देना चाहिए ना? बिल्कुल, सच बोलने में ही समझदारी होती है फ्रैंकलिन। मैं भी ऐसा ही करता हूँ। खुशबू तो बढ़िया आ रही है फ्रैंकलिन, तुम्हारे दोस्त तो मजे करेंगे। हाँ उन्होंने ऐसी कुकीज खाई नहीं होंगी। पहले तुम तो टेस्ट कर लो। टाइम नहीं है मॉम, मुझे ये सब केले तक गर्मा गर्म पहुँचानी है, बाद में मिलते हैं मॉम। गुड बाय फ्रैंकलिन। चार पाँच छः सात आठ नौ, मैं सीधी ऊपर, मैं तो निकल पड़ी ऊपर ऊपर, सीधे ऊपर पहुंच गई। क्या हाल है नीचे वालों? देखो दोस्तों हम यहाँ खेलने के लिए आए हैं। अब किसकी बारी है? मेरी। छह, एक दो तीन चार पाँच छह। वाह सबसे ऊंची सीढ़ी, मैं चला ऊपर 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 सीधे एकदम ही ऊपर। ओह कैसे हो बीवर? देखो ज्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो, समझे? हाय दोस्तों मैं तुम्हें कुछ खिलाने वाला हूँ। खिलाने वाले हो मतलब? कुकीज। कुकीज? अरे वाह थैंक यू। थैंक्स फ्रैंकलिन। थैंक यू। टर्टल कुकीज, क्या बात है। वाह कितनी सारी लाए हो, खाओगे तो खाते ही रह जाओगे। क्यों आया ना मजा? क्या हो गया? ये कुकीज बनी है या करेला? कुकीज नहीं कुछ और ही है। कितनी तीखी बनी है। ये तुम कहाँ से उठा लाई फ्रैंकलिन? मैंने खुद बनाई है, फिर सब मेरी कुकीज खाकर थू थू करने लगे और क्या। ओ, उन्होंने कुछ तो अच्छा कहा होगा उनके बारे में। हाँ जब उन्हें बताया कि मैंने खुद बनाई है तब, लेकिन मैं कोई ना समझ थोड़ी हूँ, मैं चला आया। अच्छा मॉम आप खाकर देखिए, एक आप भी चक्कर देखिए डैड। बोलिए अच्छी बनी या नहीं? एकदम ही खस्ता है और साथ ही अदरकी। हाँ लेकिन स्वाद कैसा है? एक काम करो तुम खुद भी एक खाकर देखो और बताओ। तुमने इसमें अदरक ज्यादा डाल दी थी ना? मैंने चार बार डाल दी थी पर चौथी बार दो के बराबर थी। सच पूछो तो मेरे दोस्तों ने मुझे कम बुरा कहा। कभी कभी दोस्तों की कही सच्ची बातें भी कड़वी लग जाती है ना? हाँ। इसीलिए सबसे अच्छा उपाय है कि जब कोई तुम्हारी राय मांगे तो सोच समझ के कुछ अच्छी बात कही जाए। बिल्कुल सही, मॉम के बर्थडे पर आंटी का दिया तोहफा तुम्हें याद है? वो बिल्कुल बेतुका सा। मुझे तो बिल्कुल बेतुका नहीं लगा। लगता है जल्द ही कोई हमारा दिल बहलाने वाला है। मेरी नजर में ये रंग बिरंगी हटके,
बेशकीमती और स्टाइलिश है। स्वादिष्ट और ताजे भी होंगे। देखा, इस हैट के बारे में कितनी अच्छी अच्छी बातें कही जा सकती हैं। और सही मौके पर आंटी ने मुझे ये तोहफा दिया। हाँ, और बेयर ने मेरे लिए कुछ लाया, मतलब उसे भी मेरा ख्याल था। कहाँ जा रहे हो फ्रैंकलिन? नहीं कहीं नहीं, मुझे बेयर से एक खास काम याद आ गया है। देखो इसे चलाते हैं ना तो इसमें से किटकिट की आवाज आती है। अरे वाह, इसके पंख तो असली चिड़िया की तरह खुलते हैं। थोड़ा सुधारने के बाद तो बिल्कुल ही असली लगेंगे। लेकिन मुझे लगा था कि तुम्हें अच्छी नहीं लगी। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा था बेयर, सच्ची। कोई बात नहीं फ्रैंकलिन। अब मुझे ये बेढंगी सी लग रही है। लगे तो लगे, पर मुझे फिर भी पसंद है। और मुझे तुम्हारी कुकीज। जैसी तुम बनाते हो वैसी तो नहीं है, लेकिन ज्यादा बुरी भी नहीं है। थैंक्स बेयर।